अगर दोस्तों घर पर बनाया हुआ मोमोस आप नहीं कभी खाए होंगे तो आज इस वीडियो में मैं घर पर मोमोस बनाने की विधि बताऊंगी। तो यहाँ पर पत्ता गोभी मैं एक ले रखी हूँ और धनिया का पत्ता है, दो प्याज है, दो हरी मिर्च है। तो इसको पेस्ट बनाना है आपको। तो यहाँ पर मैं ज्यादा बड़ा है बंद गोभी तो इसको आधा हिस्सा को निकाल लेती हूँ, आधे के बनाऊंगी। तो यहाँ पर इसको कद्दूकसना है, कद्दूकस करना है तो आधा ले रखी हूँ यहाँ, तो कद्दूकस कर लेती हूँ। और मैं प्याज के बारीक बारीक काट के रखी हूँ। तो यहाँ पर दोनों देखिए तैयार हो गया पेस्ट आपको। तो इसमें से पानी को आपको निकालना है। तो इस यहाँ पर सूती कपड़े के प्रयोग से मैं पानी इसको निकाल लूंगी। तो नीचे मैं कटोरा रख दी हूँ, उसके ऊपर सूती कपड़ा रखी हूँ और इसमें दोनों का मिक्स कर दूंगी, कपड़े में रख दूंगी। कपड़े के प्रयोग से आप पानी इसमें से निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं पानी निकाल दी इतना, और बहुत अच्छे तरीके से निकालिएगा तो बहुत और अच्छे होगा। तो इसको पानी निकलने से बहुत अच्छा हो जाती है। तो देखिए पेस्ट तैयार हो गया है और आपको उस मोमोज के भरने में बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा लगेगा इसको। और इसमें हरा मिर्च जो मैं काट के रखी हूँ इसमें ऐड कर दे रही हूँ, धनिया का पत्ता काट के रखी थी वो भी इसमें ऐड कर दे रही हूँ, और इसमें नमक ऐड करूंगी। तो इसमें आप गाजर के भी कद्दूकस कर सकते हैं और शिमला मिर्च भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं वो सब नहीं डाली हूँ। तो नमक भी ऐड कर दी, इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। ज्यादा आपको तीखा खाना है तो इसमें काली मिर्च को पाउडर को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। तो ये तैयार हो गया है पेस्ट आपको। तो यहाँ पर मैं आटा गूंदने के लिए एक बड़ी सी डोंगा का प्रयोग कर लेती हूँ। छोटी कटोरी में मैं मैदा ले रखी हूँ, करीब 150 ग्राम आपका मैदा है। तो इसको मैं इसमें गूंद लूंगी। तो इसमें पहले रिफाइन एक चम्मच में, इसमें एक चम्मच में रिफाइन ले ली और इसको मैं मिक्स कर दूंगी। फिर थोड़ा सा इसमें मैं मीठा सोडा डाल देती हूँ और इसको मिक्स कर देती हूँ। रिफाइन डाल दी हूँ, मिक्स कर दे रही हूँ चम्मच से। मिक्स कर देंगे तो पूरे मैदे में मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से। रिफाइन तो रिफाइन हमें कम लग रहा है तो एक चम्मच और ले लेते हैं इसमें और चम्मच से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ आपको चम्मच से मिक्स नहीं सही होता है तो आटा के प्रयोग, हाथ के प्रयोग कर सकते हैं आप। हाथ से आप मिक्स कर देंगे अच्छे से, जैसे हम आटा गूंदते हैं उसी हिसाब से आपको ये गूंदना भी होगा। तो थोड़ा सा इसमें पानी को हम प्रयोग कर सकते हैं तभी आटा हमारा ही गूनेगा। तो इसमें पानी के प्रयोग कर लेती हूँ थोड़ा सा और आटा जैसे एकदम अच्छे से गून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आटा तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा मैं लोइया ले लेती हूँ, जैसे हम पूरी बनाते हैं चाहे फुलके बनाते हैं उसी के आकार में लेना है आपको। और जिसे हमारे से गोल नहीं एकदम कटाती है तो कोई चीज का प्रयोग करेंगे काटने के लिए। तो जिसे मैं टिकन का ढक्कन ले रखी हूँ तो थोड़ा सा इसमें तेल लगा दीजिए लोहिए में कि इसको उठाने में बहुत आसानी होगी आपको। यहाँ पर देखिए मैं गोल बेल ली हूँ, अब इससे मैं काट लेती हूँ कि आकार इसको बिल्कुल गोल हो जाएगा। तो यहाँ पर भर लेती हूँ जो पेस्ट बना के रखी थी उसको भर लेती हूँ इसमें। तो ये मोमोस देखिए अब इसको बनाना है, मोमोस के डिजाइन डालना है आपको। तो देखिए इसी हिसाब से आपको बनाना है, कोई वो नहीं, एकदम इजी है बनाने में, बना सकते हैं आप घर में मोमोस बहुत अच्छे से। तो देखिए मैं बना ली, देखिए दूसरा मैं बना ली। तो इसी हिसाब से पूरे मोमोस को आपको बनाना है। तो देखिए इसी हिसाब से मैं पूरे बना के दिखा दी आपको। अब हम चलते हैं कुकर के ओर, जो मैं बताई थी कुकर में मैं मोमोस बनाऊंगी, क्योंकि घर में हमारा मोमोस बनाने के तो बर्तन है नहीं। तो पतीला में भी बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं कुकर में 2 गिलास पानी ऐड कर ली हूँ। कटोरे में देखिए मैं तेल थोड़ा सा लगा लेती हूँ, इसलिए कि उसमें डालूंगी तो चिपकेगा नहीं नीचे से मोमोस। तो तेल भी लगा ली कटोरे में थोड़ा सा और इसमें मोमोस को मैं सजा दूंगी। और इस पर फिर मैं प्लेट रखूंगी, पहले रखूंगी कुकर में कटोरे, उसके ऊपर मैं प्लेट रख दूंगी, प्लेटों में मैं मोमोस रखूंगी। तो प्लेट में ही मैं तेल लगाऊंगी। तो इसमें मैं पहले रख लेती हूँ, इसमें 6 पीस आपको आ गया है। देखिए मैं प्लेट में भी तेल लगा दी। तो इसी अनुसार से कुकर में आप ढकोगे कटोरे को, जिसे मैं यहाँ ढक रखी हूँ बाहर। तो पूरे आपको तैयार हो गया है तो मैं अंदर रख देती हूँ। देखिए पूरे प्लेट में भी रख दी हूँ और नीचे मैं कुकर रख दी हूँ, उसके ऊपर प्लेट, ढक्कन के भी लगा दी मैं। और 15 मिनट आपको इंतजार करना है, आंच बहुत धीमी करना है। तो 15 मिनट इंतजार आपका खत्म हुआ, मोमोस तैयार हो गया आपका। देख सकते हैं आप कितने मोमोस अच्छे तैयार हुए हैं, बहुत शानदार तरीके से।
बिना मोमोज के बर्तन के देखिए घर में मोमोज बना लिए, तो देखिए अब मोमोज कितना सुंदर हुआ है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट पक गया मोमोज, मोमोज आपको तैयार हो गया, मैं प्लेट में निकाल दे रही हूँ मोमोज के। तो यहाँ पर जरूरत पड़ेगा आपको चटनी यानी चटपटा चटनी के, तो दोस्तों मैं चटपटा चटनी तैयार रखी हूँ। तो आपको चटपटा चट बनाने के सीखना है तो चटनी वाला हमारा वीडियो देखिए। तो यहाँ पर मैं चटनी ले लेती हूँ, चटपटा बहुत तेज। तो दोस्तों मैं यहाँ पर चटनी ले ली हूँ, आप मोमोज के साथ चटनी खा सकते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद करती हूँ दोस्तों हमारा वीडियो ये पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और नए हैं हमारे चैनल पर तो लाल वाली बटन को दबा दीजिए और घंटी को बजाना मत भूलिए।